दिस इज डॉक्टर कबीर राजधीर सिंह। कैसे ढूंढे सीता को, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट बचे। अगर राम मिल गए तो सीता भी मिल जाएगी। निशा जैसी लड़की हमें मिल जाए ना, तो हमारी इमेज और भी सेट हो जाएगी। 3 महीने के लिए तू मेरे घर पे और मैं तेरे घर। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग, आई होप आप सब लोग मस्त हो गए। जी हाँ दोस्तों, आप सबको एडवांस में आपके प्यार की ओर से वैलेंटाइन डे की हार्दिक बधाइयां। जी हाँ दोस्तों, ये महीना पूरा रोमांस का है और इस वीक तो रोमांस की छड़िया पड़ रही है, यानी कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आ रहा है और बहुत सारे लवर्स के लिए भी एक गुड न्यूज़ है। अब दोस्तों फिल्मों की दुनिया में लव स्टोरीज एक अलग ही जगह रही है और सिनेमा की शुरुआत से अब तक ऐसी कई लव स्टोरियाँ आई है जो बहुत कम फिल्में इस पर बनती है जिनमें कोई लव स्टोरी ना हो। भले ही कहानी में उसे कम या ज़्यादा तर्जुला मिले, लेकिन वो वेब सीरीज या फिर स्टोरीज काफ़ी बढ़िया होती है। मिसाल के तौर पर हाल ही में रिलीज हुई बेहद सफल फिल्म 12th फेल आर्थिक रूप से कमजोर एक लड़की की मेहनत, लगन और संघर्ष की दास्तां है जो IPS बनने का सपना पूरा करती है। इस कहानी में भी एक खूबसूरत लव स्टोरी छुपी है जो अपने प्यार की ताकत बयां करती है। वैलेंटाइन वीक से बेहतर टाइम और क्या हो सकता है मोहब्बत में डूबी इन कहानियों को देखने के लिए। या दोस्तों नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर मौजूद ऐसी 10 फिल्में जिन्हें वैलेंटाइन वीक में आप देख सकते हो। यार आप तो मुझे फुल चेकआउट मार रहे हो। उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली आती है लव हॉस्टल्स। 12th फेल से पहले विक्रांत मेसी की कई फिल्में OTT पर रिलीज हुई जिनमें से एक लव हॉस्टल भी है। यह दो अलग अलग किरदारी पर युवानी पर लव स्टोरी बेस है और इसकी कहानी खलनायक एनिमल वाले बॉबी देवल है जो हॉरर किलिंग की इस प्रेम कहानी को इंटेंस बनाते हैं। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरी फिल्म है कबीर सिंह। एनिमल बनाने से पहले संदीप रेड्डी वांगा ने अर्जुन रेड्डी बनाई थी और इसे हिंदी में कबीर सिंह शीर्षक के बनाया था। इसमें शाहिद कपूर के साथ कियारा आडवाणी लीड रोल में दिखी थी। यह हिंसक प्रेम कहानी काफ़ी सफल रही थी और शाहिद के करियर की सबसे बड़ी हिट भी बनी थी। कबीर सिंह भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। उसके बाद आती है लव पर स्क्वायर फीट। सैम बहादुर बनाने से पहले काफ़ी पहले विक्की कौशल ने OTT के चमकदार सितारों में भी शामिल थे। 2018 में नेटफ्लिक्स पर आई आनंद तिवारी निर्देशित लव पर स्क्वायर फीट में विक्की ने अंगीरा के घर के साथ लीड रोल निभाया था। यह महानगरों में घर की तलाश के बीच एक कपल की लव स्टोरी है। उसके बाद आती है हसीना दिलरुबा। जी हाँ दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर आई इस हसीन दिलरुबा थ्रिलर रोमांटिक फिल्म में जिसमें तापसी पन्नू, विक्रांत मैसी और हर्षवर्धन राणे ने मुख्य भूमिका निभाई थी। विलेन मैथ्यू ने निर्देशक किया था। इस इंटेंस लव स्टोरी में कई ट्विस्ट भी है जो आपको वेब सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। के बाद आती है रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की इस लव स्टोरी की कहानी दो अलग अलग सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले युवाओं पर आधारित है। करण जौहर निर्देशित ये फिल्म में धर्मेंद्र, जया बच्चन, शबाना आजमी भी लीड कैरेक्टर में दिखाए गए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी सफल रही थी। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी प्राइम वीडियो पर भी आप देख सकते हैं। एक और है इशक जादे। जी हाँ दोस्तों, परिणीति चोपड़ा और अर्जुन कपूर की डेब्यू फिल्म इशक जादे उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि में दो अलग अलग धर्मों के युवाओं की प्रेम कहानी है। हबीब फैजल निर्देशित फिल्म का निर्माण यशराज ने किया था। यह फिल्म भी प्राइम वीडियो पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आती है बवाल। नितेश तिवारी निर्देशक यह फिल्म सीधे प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। यह पति पत्नी के बीच बनते बिगड़ते रिश्तों की कहानी है जिसमें विश्व युद्ध ने अहम किरदार निभाया है। वरुण धवन और जानवी कपूर अभिनीत ये फिल्म पिछले साल रिलीज हुई थी। यहाँ दोस्तों उसके बाद आती है सत्य प्रेम की कथा। कार्तिक आर्यन और किरण आडवाणी की यह रोमांटिक फिल्म एक सामाजिक संदेश देती है। यह फिल्म प्राइम प्ले पर आप देख सकते हो। उसके बाद आई है फोटोग्राफ्स। रितेश बन्ना निर्देशित फोटोग्राफ ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सानिया मल्होत्रा ने लीड रोल्स निभाए थे। नवाज ने स्ट्रीट फोटोग्राफर्स का किरदार निभाया था। एक समझौते के तहत मिले इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बन जाता है जबकि दोनों हर तरह से बिल्कुल अलग किरदार है। ये फिल्म भी आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। उसके बाद आती है सीता रामन।
दुबकर सलमान, मृगल ठाकर और रश्मिका मंदाना स्टारर इस तेलुगु फिल्म की कहानी प्यार के अनोखे बंधन को दिखाती है। ये फिल्म भी आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। सो दोस्तों, ये वैलेंटाइन भी आपके लिए काफी रोमांस भरा हो सकता है और उसमें भी ये रोमांटिक्स फिल्म्स वेब सीरीज आपके रोमांस को और भी तड़का लगा सकते हैं। इसमें से किस वेब सीरीज और किस फिल्म्स को लेके आप ज़्यादा एक्साइटेड हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ऐसी ही अपडेट जानने के लिए दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।